देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मीन की। मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद आती है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। और थर्ड नंबर पे होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, चाहे 10 में हो या 11th क्लास में हो या बीकॉम में हो या फिर सीपीटी में हो, सब में यही मेथड यूज़ किए जाने हैं। और 10th आईसीएससी में इनमें से स्टेप डेविएशन हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि सीरीज़ तीन तरीके की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। तो पहले नंबर पे कौन सी आई? डायरेक्ट, जैसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। कौन सी? इंडिविजुअल। और इनडायरेक्ट में दो आती हैं जिसका नाम होता है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज़। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल डिस्क्रीट हमने पहले पढ़ा दी थी, लेकिन अभी जो मेन है, जो क्रैश कोर्स जिसे कहते हैं, तो हम उसमें क्या पढ़ाएंगे? कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो आज का जो टॉपिक है वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ से शुरू होगा। और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और मिड वैल्यू, ये पांच थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन पांच से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इन शॉर्ट जो हमें रिवीजन लेना है, सबसे पहले हमने पढ़ा मीन। मीन के कितने मेथड होते हैं? तीन। डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, एक बात याद हुई। फिर हमने पढ़ी सीरीज। सीरीज़ दो तरीके की होंगी, एक होगी डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने पढ़ी कौन सी होगी? इंडिविजुअल। और इनडायरेक्ट में हमने दो पढ़ी, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ को निकालने के लिए पांच मेथड हमें पढ़ने हैं। एक है लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और मिड वैल्यू थ्योरम। और लेस देन और मोर देन में से वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। नमस्ते, समझ गई? रोक दें।